एडवरटाइजिंग कैंपेन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, डिफाइन कैंपेन प्लानिंग। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कैंपेन प्लानिंग। क्या होता है कैंपेन प्लानिंग? कैंपेन प्लान करना। कैंपेन मींस क्या? देखो, कैंपेन मतलब एक प्लान होता है। कैंपेन प्लानिंग की बात हो रही है, तो अगर हम कैंपेन प्लान की बात करें, एक ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ बोलते हैं ना कि एक कैंपेन चलाना मतलब एक सीरीज है ना, मतलब कुछ चीज को कंटिन्यूअस वे में करते रखना, उसको बोलेंगे अपन कैंपेन में। ठीक है, लार्ज टाइम के लिए होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज को, अगर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज हैं, सपोज एक्टिविटीज को नाम दे दिया ए बी सी डी, और एक ही चीज से रिलेटेड है एक्टिविटीज सारी। किससे रिलेटेड है? एक ही चीज से रिलेटेड है, तो उसको बोलेंगे अपन कैंपेन। सपोज अगर हम हेड एंड शोल्डर्स एग्जाम्पल, एक पीएनजी का प्रोडक्ट है, अगर हम पीएनजी वाले कैंपेन चलाएंगे, इट मींस क्या? वो उसमें अपने सारे पीएनजी प्रोडक्ट्स को थ्रू सीरीज क्या करेंगे, उसका कुछ कुछ एक्टिविटीज चलाएंगे लॉन्ग टाइम तक। सपोज पीएनजी में एक प्रोडक्ट है हेड एंड शोल्डर्स, तो उन्होंने आज हेड एंड शोल्डर्स की एडवर्टाइजिंग की। नेक्स्ट डे वो लोग विक्स के लिए कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वो लोग जिलेट के लिए कर रहे हैं, तो पूरा एक कैंपेन चल रहा है। इट मीन्स सीरीज में चल रहा है, एक थीम चल रही है जिसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फेजेस में, कि फर्स्ट फेज में हम इस प्रोडक्ट को शो करेंगे, सेकेंड फेज में हम इस प्रोडक्ट को। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए एक सीरीज को प्लान करके रखा है फॉर द एडवर्टाइजमेंट, उसको बोलते हैं कैंपेन प्लानिंग। नेक्स्ट देखो इसमें, इसके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्या होता है? थीम डिसाइड करना। थीम कैसी होगी? क्योंकि थीम क्या होनी चाहिए? हमेशा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट मीडियाज पे उसको प्ले करना है। डिफरेंट मीडियाज, यहाँ पे मीडिया का मतलब है चैनल से। चैनल मींस प्लेटफॉर्म, हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? टीवी में, न्यूज़पेपर में शो कर रहे हैं, या फिर हम ऑनलाइन शो कर रहे हैं? तो मीडिया, डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज को चूज करना है। नेक्स्ट इसमें क्या है? हमको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट रहना है, लिंक्ड होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए, मतलब फर्स्ट फेज सेकेंड फेज से रिलेट होना चाहिए। सेकेंड फेज किससे? थर्ड फेज, मतलब ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए या फिर लिंक्ड होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, जैसे अपन बिग बॉस का शो देखते हैं, ठीक है, तो उस बिग बॉस के शो में एक वॉइस आती है जो एक रहता है ना, बिग बॉस चाहते हैं काइंड ऑफ, तो वैसा एक टोन ओवर द मैसेज हम किसको चूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारा थीम क्या है? कैंपेन थीम क्या हो सकता है? इसमें एक सेंट्रल मैसेज होगा जो फेज वाइज हम कर रहे हैं। सपोज फेज वन में हमने जिलेट का किया, फेज टू में हमने किसका किया? हेड एंड शोल्डर शैम्पू का किया, फेज थ्री में हमने विक्स वेपोरब का किया। ये सब ना उसके प्रोडक्ट्स हैं, किसके? पीएनजी कंपनी के। फेज फोर में हमने पैम्पर्स का डाल दिया, बच्चों के जो प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन एक सेंट्रल मैसेज होगा इन चारों का। जब भी हम कैंपेन प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक सेंट्रल मैसेज होगा, वो क्या होगा? सपोज इसमें सेंट्रल मैसेज क्या होगा कि ये सारे पीएनजी के प्रोडक्ट्स हैं, प्राइस कम है, या फिर एक महीने तक हम 20% डिस्काउंट देंगे सारे प्रोडक्ट्स में। तो एक सेंट्रल मैसेज, भले ही प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन मैसेज एक ही होना चाहिए टू जितने भी हम प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो अब देखो कैंपेन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, उसके स्टेप, स्टेप्स टू कैंपेन प्रोसेस।
किसी को डाउट है इसकी मीनिंग तक? चंद्र प्रकाश, चंद्रवती? नो मैम, चंद्रवती कोई डाउट है बेटा? नहीं मैम। साथ में ले जाना, देखो मतलब मैं भी म्यूट म्यूट कर लो बेटा, माइक म्यूट करो। हाँ नेक्स्ट देखो, कैंपेन प्रोसेस। सबसे पहले कैंपेन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमको फर्स्ट एक अपना प्रोडक्ट और सर्विस चूज करना पड़ेगा। चूज अ प्रोडक्ट और सर्विस। हम कैंपेन चला रहे हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको पीएनजी का, तो उसके प्रोडक्ट लिए थे मैंने क्या, ये है ना, हेड एंड शोल्डर पैंटीन था है ना, जिलेट था, फिर क्या लिया था एक इसमें पैम्पर्स लिया था। तो कौन सा, कौन से प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस के लिए हम कैंपेन शुरू करना है, सबसे पहले तो हमको वो चीज करना है, चूज करना है। फिर हमको क्या करना है, अपना कंटेंट रेडी करना है। कंटेंट हम क्या बताना चाहते हैं, हम देखो सबको पता तो हेड एंड शोल्डर्स है, लेकिन अभी अगर हम फिर से इसकी न्यू एड रेडी कर रहे हैं तो क्यों क्यों रेडी कर रहे हैं उसकी एड को, वो आ जाएगा कंटेंट में। क्या हमने प्राइस कम किया है या हमने उसमें न्यू वैरायटी लॉन्च की है, क्या वैसा वो कंटेंट हमको रेडी करना है, हम क्यों प्रमोट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को। तो ये हो जाएगा चूज अ प्रोडक्ट और सर्विस। सेकेंड क्या होगा, चूज अ बायर्स पर्सन। अब हमको टारगेट मार्केट देखना है कि कौन हमारा वो प्रोडक्ट खरीदेगा। अब जिलेट है, जिलेट शेव जेल, वो कौन लेगा? सपोज मेंस ही लेंगे ना, फीमेल तो नहीं लेंगी इसको, तो कौन, हमको वो टारगेट चूज करना है। हमको अपना आइडियल कस्टमर को देखना है कि कौन होगा हमारे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो हम जो भी ये कंटेंट राइटिंग करेंगे तो हम किसको ध्यान में रख के करेंगे, अपने कस्टमर को है ना, और अपने बायर को ध्यान में रखते हुए ही हम कंटेंट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इसमें है डिफाइन योर वैल्यूज एंड स्टोरीज। कभी कभी हम अपनी वैल्यूज और अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। सपोज स्टोरीज, अगर आपने लक्स की एड देखी होगी तो बीच में क्या होता था, जितने भी फिल्म सेलिब्रिटीज थे, करीना कपूर, मतलब जो भी फीमेल लीड्स थी, माधुरी दीक्षित थी, करिश्मा कपूर थी, तो ये लोग अपनी स्टोरीज बताते थे, ठीक है। या फिर अगर आप मैगी को टारगेट करो तो मेरी मैगी वाली स्टोरीज, तो उसमें कोई रात को बना के खा रहा है, कोई दिन को बना के खा रहा है, कोई फर्स्ट टाइम खा रहा है, तो वो जो स्टोरीज है उसके साथ कोरिलेट करना है ना। अभी वो किसी की आती है ना, बीच में एक आइडिया वाला आता था, अलग अलग लैंग्वेजेस का करके करते थे, तो स्टोरीज वैल्यूज, जैसे एयरटेल अपना वैल्यूज देता है ना हमेशा, एयरटेल की क्या वैल्यूज शो करता है कि अभी एक ऐड आती है ना उसमें रेड कलर के बोर्ड्स में, वो लोग कस्टमर की कंप्लेन शो करते हैं, हमारे नेटवर्क सब जगह है, हम किसी के नेटवर्क के साथ कोई कॉम्पनसेट नहीं करते हैं एयरटेल की, तो ये वैल्यूज है उस एयरटेल के। सपोज अगर हम रिलायंस की एड देखेंगे तो उनकी वैल्यूज हमेशा क्या शो करता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है ना। तो हमको उस एड में अपने वैल्यूज भी बताने हैं और अपनी स्टोरीज भी बतानी है, तो हम इससे भी कंटेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, ये स्टेप्स अपन पढ़ रहे हैं ना कैंपेन प्रोसेस के। फोर्थ देखो क्या लिखा है, लिस्ट क्वेश्चंस बायर्स have around them. ठीक है, अब उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना जो बायर्स है हमारे प्रोडक्ट के, जो उस टॉपिक के आगे भी थे, जैसे उनके क्वेश्चंस हैं, तो हमको उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, हमको उनके पूरे क्वेश्चंस को पहले से ही सोचना है कि उनके क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, लिस्ट क्वेश्चंस, इसको प्री प्लानिंग बोल सकते हैं। जैसे अपन कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो अपन बोलते हैं ना ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो वैसे ही हमको बायर्स के क्वेश्चंस को रेडी रखना है, प्रिपेयर करना है। फिर हम उसको और अट्रैक्टिव करके करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रेजेस वगैरह की लिस्ट बना सकते हैं, बिल्ड अ लिस्ट ऑफ words and phrases. तो
कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बहुत आजकल कंपनीज क्या करती हैं, जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसके रिगार्डिंग एक कीवर्ड बना देते हैं वो लोग कोड समझने के लिए, तो वैसे ही वो लोग खुद की एक लिस्ट बनाते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस को लेकर के ध्यान में रखते हुए। जैसे अगर आप लोग देखेंगे ना फैक्ट्स या फिर हेल्प वाला डेस्क रहता है आजकल वेबसाइट्स पे, आप उसमें एक कीवर्ड डाल दो और वो उसमें सर्च करके देता है उस प्रॉब्लम को। जैसे आप लोग जियो में जियो केयर का देखोगे, अगर आप रिचार्ज लिखोगे तो उसमें आपको 3-4 ऑप्शन दे देता है तुरंत, है ना, या नेटवर्क इश्यू है तो ट्रबल शूट का ऑप्शन दे देता है, तो वो कीवर्ड्स होते हैं जो। या अगर अपन मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो हम क्या करते हैं उस समय एक कीवर्ड डालते हैं और उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आ जाएंगे। सपोज अपन को ऑर्डर डाल दिया उसमें, तो उसमें हाउ कैन आई रिफंड में, हाउ कैन आई कैंसिल में, दुनिया भर का जो ऑप्शन आता है। बोलो चंद्र प्रकाश, आपका माइक म्यूट नहीं है बेटा, कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो अनम्यूट सॉरी म्यूट कर लो माइक को। बेटा माइक म्यूट करो चंद्र प्रकाश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसमें एनालाइज करना एंड फिल्टर आउट करना लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, उसको और डीपली में एनालाइज करना और फिल्टर आउट करना, ठीक है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, हो जाता है। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं आजकल ऑनलाइन कंपनीज के पास जिससे वो कर सकते हैं। जैसे अपन ही अगर अपने फोन में कुछ सर्च करते हैं और अपन एक कीवर्ड डाल देते हैं, सपोज अगर आप लोग गूगल में ही कुछ करते हैं, है ना, तो आप लोग एक कीवर्ड डाल देते हैं और उससे रिगार्डिंग जितने ऑप्शन आने होते हैं आपके पास सब आ जाते हैं, तो वो फिल्टर आउट करना। नेक्स्ट लिखो, क्रिएट कंटेंट बेस्ड ऑन दिस रिसर्च। कंटेंट बेस्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। हम सपोज फर्स्ट पेज में ही, जैसे आप लोग हैशटैग करके बहुत सारे कीवर्ड्स नहीं डालते जाते हैं, हम ऐसे करके कीवर्ड्स डाल सकते हैं अपने कंटेंट में कि हमने जैसे अपन डिस्काउंट, फिर ऑफर्स, फिर बाय वन गेट वन कैंपेन प्रोसेस, ठीक है, या फिर मेरी स्टोरीज, ठीक है, हैड फन, तो ये सब हम ऐसे करके कंटेंट पेज पे हम क्या कर सकते हैं, मेन पेज पे हम टारगेट कर सकते हैं। इसी के अंदर ही फर्स्ट बता रही हूँ, मेन पेज पे हम टारगेट कर सकते हैं शॉर्ट कीवर्ड, तो ये हो गए शॉर्ट कीवर्ड हैशटैग्स वगैरह। फिर हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम लिंक प्रोवाइड करवा सकते हैं गो टू होम या गो टू वेबसाइट। जब आप लोग कुछ फॉर्म्स वगैरह भरते हैं तो उसमें एक बीच बीच में लिंक रहती है ना, डायरेक्ट लिंक दी रहती है शॉर्टकट्स वाली, तो हम वो लिंक डाल सकते हैं। फिर हम अपने ऐड को, लिंक को हम दूसरे किसी पर्सन के अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं, जिसने कोई अच्छा पोस्ट किया होगा, तो आप अपने अगर इंस्टा वगैरह आप लोग यूज करते हैं तो आप उसमें देखते होंगे उनके जो फैन फॉलोअर्स होते हैं या व्यूअर्स, उनको भी वो लोग जो सेलिब्रिटीज हैं वो लोग हैशटैग उसमें टैग कर देते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी लिंक कर सकते हैं। फिर हम दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट को अगर अपने साथ प्रमोट कर रहे हैं तो हम उनको भी हैशटैग कर सकते हैं। तो ये कंटेंट बेस्ड होते हैं ऑन दिस रिसर्च, इसको बोल सकते हैं। जैसे अगर आप लोग यूट्यूबर्स में, यूट्यूब में कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोज देखते होंगे तो जनरली आप लोग देखते होंगे वो दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करते हैं उसमें, है ना, तो हम दूसरों के प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं, तो काइंडली वो भी हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखो, 8th पॉइंट, प्रमोट योर कंटेंट। अब मेन स्टेप है अपने कंटेंट को प्रमोट करना, तो हमारे ऊपर है, हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं या फिर हम पेड प्रमोशंस ले रहे हैं पे करके, है ना, या फिर हम
एक डिस्कशन स्टार्ट करवा सकते हैं, लाइव डिस्कशंस स्टार्ट या जॉइंट डिस्कशंस आजकल मोस्टली करते हैं लोग, लाइव आके डिस्कशंस स्टार्ट करवा देते हैं, तो बोल सकते हैं स्टार्ट या जॉइंट डिस्कशंस ऑनलाइन कम्युनिटीज में। हम ईमेल करते हैं हमको कंपनी के, अगर आप लोग अपना ईमेल बॉक्स कभी खोल के देखोगे ना एन नंबर्स ऑफ मैसेजेस रहते हैं, तो हम ईमेल्स कर सकते हैं। फिर हम प्रोस्पेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम टीवी न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं, हम पैम्पलेट्स छपवा सकते हैं, या हम स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं। लास्ट क्या हो जाएगा इसमें, मेजर योर कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन। हमारा कैंपेन कैसे चल रहा है, हमको उसको मेजर करना है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, है ना, हाउ द कैंपेन वर्क्स, हमको वो सब देखना है। हमको अपना वेब प्रेजेंस देखना है कि हमको वेबसाइट्स पे कितने पोस्ट किया तो व्यूज मिल रहे हैं, कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने डिसलाइक्स मिल रहे हैं, तो हम ट्रैक कर सकते हैं। अगर हमने पेड प्रमोशंस लिया है तो हम उसको ऑल इजीली ट्रैक कर सकते हैं, फिर वो लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं हमको। तो ये तरीका होता है एक कैंपेन प्रोसेस को स्टार्ट करने का या इनिशिएट करने का, एक कैंपेन चलाना, एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाने के ये 9 पॉइंट्स थे। यहाँ तक कोई डाउट है तुम लोगों को?